वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर वन। टुडे आवर चैप्टर नेम इज़ फंडामेंटल एंड डिवाइस। एंड टुडे आवर टॉपिक इज कीबोर्ड कीज। टुडे वी विल डिस्कस कैप्स लॉक कीज, शिफ्ट कीज, स्पेस बार कीज, कर्सर कंट्रोल कीज, एंटर कीज, बैक स्पेस की एंड डिलीट कीज। We will discuss one by one of these topics. Let's start keyboard keys from caps lock key. What is caps lock key? Caps lock key change small letter into capital letter and capital letter into small letters. When we open caps lock key and when we press the keyboard key, when we press keyboard button with caps lock key, so small letter change into capital letter, and when we off caps lock key, capital letter change into small letters. Students, caps lock key क्या होती है? Caps lock key एक ऐसी keys होती है keyboard के अंदर, ये एक होती है, ये मल्टीपल नहीं होती। कोई भी कीबोर्ड हो, आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक की जस्ट एक होगी। वो क्या करती है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो कीबोर्ड और हमने कोई भी लेटर टाइप करना है तो कैप्स लॉक क्या कर देता है, उस स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में चेंज कर देता है। एंड देखो, मैं आपको एग्जांपल देकर दिखाती हूँ। जैसे मैंने अल्फ़ाबेट ए टाइप करना है, ए, अभी मैंने जस्ट ए टाइप किया, ए, अभी स्मॉल लेटर में हुआ ना, अब मैंने इसको करना है कैपिटल लेटर में। कैप्स लॉक ऑन किया और ए, डायरेक्ट मैंने ए टाइप कर दिया। इसी तरह कैप्स लॉक मैंने ऑफ़ किया, अब मैं दोबारा ए टाइप करती हूँ तो स्मॉल होता है। इसी तरीके से कैप्स लॉक ऑफ करने से जो लेटर होगा वो स्मॉल हो जाएगा, जबकि कैप्स लॉक ऑन करने से जितने भी लेटर्स होंगे ए टू जेड वो कैपिटल टाइप होंगे। ओके, ये कैप्स लॉक की में होता है। कैप्स लॉक कीज, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की चेंज स्मॉल लेटर इनटू कैपिटल लेटर्स एंड आल्सो गिविंग फॉर स्पेशल करेक्टर लाइक एस, एट द रेट, हैश सिंबल एंड डॉलर साइन, और भी बहुत से सिंबल्स होते हैं, स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जो कि शिफ्ट की को प्रेस करने से आते हैं। व्हेन वी प्रेस शिफ्ट की, तो ऑल द व्हेन वी प्रेस शिफ्ट की विद लेटर्स, तो दैट लेटर्स चेंज इन टू कैपिटल लेटर एंड ऑल्सो गिविंग, और ये स्पेशल करेक्टर्स के लिए भी हम शिफ्ट की को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, ये मैंने शिफ्ट, मिसाल के तौर पर ये शिफ्ट का बटन है, इसको प्रेस किया और इसी के साथ मैंने प्रेस किया लेटर ए। जैसे मैंने एक साथ इन दोनों को प्रेस किया तो वो लेटर, ये वाला जो लेटर ए है, ये किस में चेंज हो गया, कैपिटल लेटर में। इसी तरीके से अब मैंने एस को, ये जो एस है, स्मॉल एस है, इसको मैंने चेंज करना है कैपिटल एस में। तो कैसे चेंज करूँगी, शिफ्ट प्लस एस प्रेस करूँगी तो ये स्मॉल एस कैपिटल एस में चेंज हो जाएगा। आपको मैं कीबोर्ड उस पर कर दिखाती हूँ। देखिए, अब मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस कर लिया, इसके बाद मैं प्रेस करती हूँ एफ, लेटर एफ। सबसे पहले मैं आपको लेटर एफ प्रेस करके दिखाती हूँ, ये देखो, सॉरी लेटर एफ। अब इसके बाद मैं शिफ्ट की के साथ लेटर एफ प्रेस करती हूँ, ये शिफ्ट की प्रेस की, इसके बाद लेटर एफ करें, ये देखो। अब ये इस लेटर में, स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में देखो कि क्या डिफरेंस है, जो मैंने शिफ्ट के साथ प्रेस किया और उसके, अब मैं ए प्रेस करती हूँ ऐसे ही, और अब शिफ्ट के साथ ए प्रेस करती हूँ, शिफ्ट ए। देखिए,
बात कर रही थी शिफ्ट की। अब आपको पता चल गया है ना कि शिफ्ट की क्या करते हैं, चेंज करते हैं स्मॉल लेटर इनटू कैपिटल लेटर, बट डज नॉट चेंज कैपिटल लेटर इनटू स्मॉल लेटर। अगर कोई लेटर स्मॉल से कैपिटल में चेंज हो गया, जैसे ये मैंने चेंज किया शिफ्ट की, इसको मैंने चेंज किया कैपिटल लेटर में, अब अगेन दोबारा शिफ्ट की प्रेस करके इस लेटर को दोबारा से स्मॉल लेटर में हम चेंज नहीं कर सकते। ये तो जैसे कैप्स लॉक की में ऐसे होता था ना कि हम क्या करते थे, स्मॉल लेटर इनटू कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर इनटू स्मॉल लेटर। स्मॉल से कैपिटल में कैसे आता था, जब हम क्या करते थे, कैप्स लॉक को ऑन करते थे, और कैपिटल से स्मॉल में कैसे चला जाता था, जब हम कैप्स लॉक ऑफ करते थे। लेकिन शिफ्ट की में ऐसा नहीं होता, शिफ्ट की में क्या करते होता है, उसको शिफ्ट की को प्रेस करने से स्मॉल लेटर चेंज इनटू कैपिटल लेटर, बट इफ इट डज नॉट प्रेस शिफ्ट की तो कैपिटल लेटर डज नॉट चेंज इनटू स्मॉल लेटर। एंड लेट्स डिस्कस स्पेस बार की। स्पेस बार की गिव स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट। स्पेस बार की क्या करता है, टेक्स्ट के दरमियान स्पेस देने के लिए यूज होता है इन एनी डॉक्यूमेंट। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखो स्पिरिट स्कूल। अब इसमें मैं स्पेस क्या कर देती हूँ, नहीं करती। अब इस स्पिरिट स्कूल के दरमियान मैंने स्पेस देना है, लेकिन इसमें मैंने स्पेस बार की प्रेस किए यहाँ। अब यहाँ से मैंने प्रेस किए, देखो स्पेस, स्पेस में दे रही हूँ। तो स्पेस बार की इज यूज टू गिव द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट और एनी अदर एरिया ऑफ द टेक्स्ट। कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की टेक्स द कंप्लीट होल्ड ऑफ द कर्सर। ये जो ये आपको स्क्रीन पर कर्सर नजर आ रहा है ना, इसका कंप्लीट होल्ड ले लेती है। कर्सर कंट्रोल की क्या करती है, टेक्स द कंप्लीट होल्ड ऑफ द कर्सर एंड प्रोवाइड कीबोर्ड शॉर्टकट कीज। जैसे कंट्रोल प्लस सी है फॉर कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स फॉर कंट्रोल की टेक्स द कंप्लीट होल्ड ऑफ द कर्सर एंड प्रोवाइड कीबोर्ड शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल प्लस एक्स फॉर कट। कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी, कॉपी करने मतलब जिस तरह एमएस वर्ड में हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या हम अपने डेस्कटॉप पर किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हैं, बजाय इसके कि हम मेन्यू को ओपन करें कर्सर के थ्रू, कर्सर का कंट्रोल हम अपने मतलब कर्सर का कंट्रोल को हटाकर हम ऐसा ना कि हम कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर लें। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए कंट्रोल, उस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स फॉर कट। एंटर की। एंटर की इज़ यूज टू एंटर न्यू नेक्स्ट ऑपरेशन एंड आल्सो हेल्प्स टू स्टार्ट न्यू लाइन इन द डॉक्यूमेंट। एंटर की इज यूज टू एंटर नेक्स्ट ऑपरेशन। जैसे आपने मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर में देखा होगा कि हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं, अगर हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बजाय कि हम एंटर का बटन अगर हम प्रेस कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, तो एंटर की नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ लेकर जाता है। और एमएस डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में क्या करता है, एंटर करने के लिए यूज़ होता है न्यू लाइन एंटर करने के लिए यूज़ होता है इन द डॉक्यूमेंट में। एंटर की हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में। मिसाल के तौर पर मेरा कर्सर इस जगह पर है, ये मेरा कर्सर है, ठीक है। अब मैंने एंटर करना, मतलब मैंने द स्पिरिट स्कूल तो मैंने टाइप कर लिया, अगेन मैं स्पिरिट स्कूल टाइप करना चाह रही हूँ तो मैं नीचे टाइप करूँगी। अब मैं नेक्स्ट लाइन पर टाइप करने की, तो मैंने क्या प्रेस किया, एंटर द स्पिरिट स्कूल लाइक दिस, एंटर द स्पिरिट स्कूल। ये एंटर की प्रेस करने से क्या करता है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमें लेकर जाता है कर्सर, हम लेकर जाते हैं कर्सर को। बैकस्पेस की इज यूज टू डिलीट द करेक्टर एट द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड पर, एंड मूव द कर्सर टू दैट पोजीशन, और उस पोजीशन पर कर्सर को मूव करता है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी देखो 3 times मैंने स्पिरिट लिखे हैं, मैं चाहती हूँ ये 2 times जो मैंने स्पिरिट लिखा है इसको मैं क्या करती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, बैकस्पेस कर देती हूँ। कैसे करूँगी, कर्सर को मैंने यहाँ पर लेकर आई मैं, और यहाँ से बैकस्पेस कर लाइक दिस एट द लेफ्ट ऑफ द
एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। सॉरी ये भी हो गया, ठीक है। इस तरह से मैं जैसे मैंने बैक स्पेस की, वो लेफ्ट साइड से वो क्या करता है, बैक स्पेस की एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर को मूव करता है और कैरेक्टर्स को डिलीट करता जाता है बैक स्पेस की। डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड द ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट मूव द कर्सर। डिलीट की क्या करता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड द ऑब्जेक्ट, मतलब टेक्स्ट को और ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है, डज नॉट मूव द कर्सर, लेकिन कर्सर को मूव नहीं करता। मिसाल के तौर पर मैंने टाइप किया है, आई लीव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, ठीक है। अब मैंने इस कोटेशन को, ये इस सेंटेंस को मैंने क्या करना है, इसको डिलीट करना है। मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया है माउस से, अब इसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, कीबोर्ड के ऊपर जो डिलीट का बटन है उसको मैं प्रेस कर दूँगी, डिलीट की, डिलीट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को क्या करता है, डिलीट करता है। तो मैंने पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया, देखो डिलीट कर दिया, तो द लेफ्ट साइड ऑफ द, लेकिन कर्सर को मूव नहीं करता। जैसे बैक स्पेस की में होता था ना, कर्सर ऐसे पीछे बैक 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 होता जाता था, इसमें ऐसा नहीं होता। ये देखो कर्सर में बैक पीछे होता जाता है ना, कर्सर मूव कर रहा होता है, लेकिन डिलीट की में ऐसा नहीं होता है। डिलीट की में क्या होता है, एक मिसाल के तौर पर मैंने टेक्स्ट लिखा, अब इसको मैंने डिलीट करना है, इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगी और डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगी। अब इसने कर्सर को मूव नहीं किया अगेन एंड अगेन, तो डिलीट के बैक स्पेस की में ये डिफरेंस है, ठीक है। स्टूडेंट आज का ये मेरा लेसन था, ये सारे कीज़ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, स्पेस बार की, कर्सर कंट्रोल की, एंटर की, बैक स्पेस की, डिलीट की, सारी कीज़ आपने क्या करनी है, घर में इनको रिवाइज करना है, अच्छे से सीखेंगी सब डेफिनेशंस को, टू टू लाइंस की डेफिनेशन है, वन वन लाइंस की, रिवाइज करना है, ठीक है। स्टूडेंट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।